नमस्कार, मैं साक्षी अमरस न्यूज लाइव में आऊँ। दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। नागपुर विभाग से 1,67,235 विद्यार्थी हुए थे शामिल। नागपुर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल द्वारा 21 फरवरी से मार्च तक आयोजित परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित किया गया। इस वर्ष नागपुर विभाग से 1,67,235 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 86,564 लड़के तथा 69,654 लड़कियां है पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्थान द्वारा लिए जाने वाले 12वीं परीक्षा का रिजल्ट आज जाहिर किया गया। इस बार 12वीं का रिजल्ट 85.88% लगा। आज सुबह करीब 1 बजे यह रिजल्ट जारी किया गया। इस बार रिजल्ट में 2.53% की कमी आई है। इस बारे में बोर्ड के अध्यक्ष शकुंतला काड़े इन्होंने जानकारी दी है। मुंबई, पुणे, नागपुर, कोकण, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर, औरंगाबाद ऐसे 9 विभागों की तरफ से फरवरी महीने में परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में कुल 14,91,306 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इसमें 8,42,919 छात्र व 6,48,151 छात्राएं थी। इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट में छात्राओं ने बाजी मारी है। 90.25% छात्राएं तो वही 82.40% छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें कोकण विभाग के रिजल्ट सबसे ज्यादा मतलब 93.23 तो नागपुर विभाग के सबसे कम 82.81% इतना लगा है। विविध शाखा अनुसार रिजल्ट। विज्ञान शाखा में 92.60% रिजल्ट लगा है। आर्ट शाखा में 76.45% रिजल्ट लगा है तो वही वाणिज्य शाखा में 88.28% रिजल्ट लगा है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।